आइसक्रीम भी हुआ कोरोना पॉजिटिव। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन ये सच है। चीन के पूर्वोत्तर में तियानजिन इलाके में स्थानीय स्तर पर बनाई गई आइसक्रीम के 3 सैंपल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उन लोगों की तलाश में जुट गया है जिन्होंने आइसक्रीम खाया था। चाइना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक एक फूड कंपनी को 4,836 बॉक्स के संक्रमित होने की जानकारी मिली है। चिंता की बात यह है कि 1,812 बॉक्स दूसरे राज्यों में भेज दिए गए थे और 935 आइसक्रीम पैकेट स्थानीय बाजार में भी पहुंच गए थे। राहत की बात ये रही कि इनमें से केवल 65 आइसक्रीम के पैकेट ही बिके थे। कंपनी के 1,662 कर्मचारियों को सेल्फ आइसोलेशन में जाने का आदेश दिया गया है। सबका टेस्ट शुरू कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।